हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अर्चना और आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूं इमली की चटनी। इसके लिए यहां पे मैं एक कटोरी इमली ली हूं और ये मेरे पास यहां पे बीज वाली इमली थी। अगर आपके पास बिना बीज वाली हो तो उसे भी बना सकते हैं, उससे और ज़्यादा आसानी होगी बनाने में। तो चलिए, पहले हम इमली को फूलने के लिए डालेंगे। मैं यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली हूँ और उसमें हम सारी इमली को डाल देंगे। और अब हम डाल देंगे इसमें 1 से 1.5 गिलास जितना पानी और इसे फूलने के लिए रख देंगे। पानी डालने के बाद इसे थोड़ा सा चम्मच से हिला लें ताकि इमली अलग अलग हो जाए और अच्छे से फूल जाए। चलिए, इसे ढक के हम 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे फूलने के लिए। और यहाँ पे अभी मैं अब इमली को पकाऊंगी, तो उसके लिए यहाँ पे रख दी हूँ मैं गैस पे और इसे हमें थोड़ी देर के लिए पकाना है। चलिए, इसे ढक देते हैं ताकि जल्दी से उबाल आ जाए। ये देखिए, उबाल आना शुरू हो गया इसमें। तो हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि अच्छे से पक जाए इमली। देखिए, 1-2 मिनट हो गए हैं और इमली पक भी गई है अच्छे से। देखिए, पक गई है अच्छे से। तो चलिए, अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम देखिए, अब ठंडी हो गई है इमली। तो चलिए, अब मैं इसमें से इसके बीज निकाल लूँगी सारे। चलिए, हम एक एक करके बीज निकाल लेते हैं। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को इमली की चटनी की रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए, सारे बीज निकल गए हैं इसमें से। तो चलिए, अब इसे हम पीस लेंगे। इसके लिए मैं जार में डाल रही हूँ। हमें इसे पीस के एक अच्छा सा पेस्ट घोल तैयार कर लेना है। ये देखिए, यहाँ पे मैं इसमें से छान ले रही हूँ ताकि इसमें जो भी रेसे वगैरह हो तो वो छन जाए छन्नी में। और इसे ऐसे हिलाते हुए छाने, अगर आपके पास बड़ा जाली वाला छन्नी हो तो उससे छान लें, ज़्यादा आसानी से छन जाएगी। ये देखिए, छन गई अच्छे से इमली। तो चलिए, अब हम बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर कढ़ाई रख दी हूँ गर्म होने के लिए। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, 1 से 2 चम्मच करीब जितना। और अब हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा जीरा, और जीरा अच्छे से चटक जाए उसके बाद हम इमली को डाल देंगे। अब इसे अच्छे से चला लें, उबाल आना शुरू हो गया है। तो चलिए, अब हम डालेंगे इसमें गुड़। गुड़ यहाँ पे मैं आधी कटोरी डाली हूँ। अभी हम इसमें शक्कर भी डालेंगे। तो मैं यहाँ पे आधी कटोरी गुड़ डाली हूँ और इसे हिलाते हुए गुड़ को हमें अच्छे से फोड़ लेना है। अब हम डाल दे रहे हैं यहाँ पे मिर्ची, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आता है चटनी में। जीरा पाउडर आधी छोटी चम्मच, सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर नमक, नमक मैं आधी चम्मच ही डाली हूँ। अब हमें इसे अच्छे से गाढ़ा होने तक पकाना है। देखिए, गाढ़ी होनी शुरू हो गई है चटनी। अब मैं डालूंगी इसमें आधी छोटी चम्मच काला नमक और आधी कटोरी चीनी। चीनी हम लास्ट में डालेंगे, पहले नहीं डालेंगे। आधी कटोरी चीनी डाल रही हूँ और चीनी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए, चटनी बन के तैयार हो गई है और गाढ़ी भी हो गई है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना बनाए, नहीं तो ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है चटनी। तो चलिए, हम गैस को बंद कर देंगे। आप इसे स्टोर करके फ्रीज में रख सकते हैं और इसे 1 महीने तक आराम से रख सकते हैं। और इसे पराठा या पूड़ी किसी के साथ भी खाएं, बहुत टेस्टी लगता है। और इसे सुन के ही मुंह में पानी आ जाता है।